Good morning, students. In previous lecture, we discussed about many acids, bases, properties of acid and base, many different example of acids and bases, for example, sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, magnesium hydroxide. Now, today we talk about pH value and indicator. हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था इंडिकेटर क्या होते हैं. इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो कि जो एसिड या बेस जो होंगे उनके कांटेक्ट में जब आते हैं तो कलर में चेंज करके उन जो सब्सटेंस जो होंगे उनके एसिड के नेचर को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं. जितने भी अगर हम फूड मटेरियल की बात करें या अदर जो सब्सटेंस है उनकी हम बात करें तो इन सबको हम टेस्ट करके हम नहीं बता सकते कि इनका टेस्ट बिटर है या फिर शॉर्टेस्ट है, कैसा इनका टेस्ट है. तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, हम टच करना हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है. तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं, विदाउट उन्हें टच किए हम कैसे ये इनके नेचर को आइडेंटिफाई करें. तो ऐसे सब्सटेंस जो कि एसिड और बेस नेचर के जो सब्सटेंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई कराते हैं हमें और हमें बताते हैं कि वो एसिडिक नेचर के हैं या बेसिक नेचर के. तो जो सब्सटेंस होते हैं दिस इज कॉल्ड इंडिकेटर्स. अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें, बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली हम मिलते भी हैं. और अगर हम बात करें कुछ इंडिकेटर्स जो होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, मैनमेड जो हम कह सकते हैं इंडिकेटर्स होते हैं जो लेबोरेटरी के अंदर उनका उनको बनाया जाता है, उनका फॉर्मेशन होता है. तो आज हम कुछ इंडिकेटर्स की बात करते हैं. जो आपकी बुक है उसमें तीन इंडिकेटर यहाँ पे दिए हुए हैं. फर्स्ट लिटमस, सेकंड फेनाफ्थेलिन एंड थर्ड इज मैथिल ऑरेंज ब्लू. जो लिटमस की अगर हम बात करें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी था कि जो लिटमस होता है इसको ऑप्टेन किया जाता है लाइकेन से. लाइकेन सम्बायोसिस होता है एल्गी एंड फंगस का. एल्गी एंड फंगस का जो सम्बायोसिस होगा वो लाइकेन होता है. और लाइकेन्स जो होते हैं उनसे लिटमस जो है लाइकेन से इसको ऑप्टेन किया जाता है. और ये दो जो है स्टेट में प्रेजेंट होता है, लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म में भी होता है और पेपर फॉर्म में भी होता है. जो अगर हम मार्केट से लेके आते हैं, स्टेशनरी वगैरह से लाते हैं, फिर लेबोरेटरी में देखते हैं तो इसमें ब्लू एंड रेड दो कलर के जो हैं लिटमस पेपर आपके होते हैं. तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो रेड एंड ब्लू जो लिटमस पेपर होते हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करवाते हैं कि जो सब्सटेंस है इसका नेचर एसिडिक है या फिर इसका जो नेचर है वो बेसिक है. तो फर्स्ट हम बात करते हैं रेड लिटमस पेपर की. रेड लिटमस पेपर जो होगा अगर हम इसको किसी भी सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो अगर उसका कलर चेंज नहीं होता, इट मीन्स या तो वो जो सॉल्यूशन है या तो वो एसिडिक नेचर का है या फिर वो न्यूट्रल है. क्योंकि जो रेड लिटमस पेपर होता है जैसे ही वो बेस के कांटेक्ट में आएगा वो रेड टू कन्वर्ट होगा ब्लू में. तो कोई भी रेड कलर का जो लिटमस पेपर होता है वो बेस के जब भी कांटेक्ट में आता है तो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है. और ऐसे ही जो ब्लू कलर के लिटमस पेपर होते हैं जब भी वो एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाते हैं. तो यहाँ पे लिटमस पेपर जो है ब्लू लिटमस पेपर चेंज इंटू रेड व्हेन दे कांटेक्ट विद एसिड. अगर जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में चेंज हो जाएंगे कब, जब वो कांटेक्ट में आएंगे एसिड के. एंड रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू ब्लू लिटमस पेपर व्हेन दे कांटेक्ट विद बेसिस. अगर रेड लिटमस पेपर जो है बेस के कांटेक्ट में आता है तो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है. और अगर कोई सॉल्यूशन है और रेड और ब्लू दोनों लिटमस पेपर उसमें डालते हैं और दोनों के कांटेक्ट में आने पे दोनों का कलर चेंज नहीं होता है, इट मीन्स दिस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल. यानी जो सॉल्यूशन होगा ये न्यूट्रल नेचर का होगा, ना एसिडिक होगा ना ही ये बेसिक नेचर का होगा. तो ऐसे सब्सटेंस जो कि एसिड एंड बेस को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं ये होते हैं इंडिकेटर्स. यहाँ पे जो लिटमस पेपर है ये मैंने आपको बता दिया है, दो तरह के होते हैं, ब्लू एंड जो रेड होते हैं. सेकेंड हम बात करते हैं फेनाफ्थेलिन की. फेनाफ्थेलिन जो है वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है. और जैसे ही फेनाफ्थेलिन जो है बेस के कांटेक्ट में आता है
phenolphthalein change to pink color in contact with bases. जो फिनोफ्थलीन होता है ये जैसे ही बेस के कांटेक्ट में आएगा ये पिंक कलर में चेंज हो जाएगा. और व्हेन फिनोफ्थलीन चेंजेस टू कलरलेस विद कांटेक्ट विद एसिड्स. अगर हम बात करें तो जो फिनोफ्थलीन है एसिड के जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो एसिड के कांटेक्ट में आने पे ये कलरलेस हो जाता है. इसका सारा जो कलर होता है वो रिमूव हो जाता है. और जैसे ही ये बेस के कांटेक्ट में आता है, बेस के कांटेक्ट में आने पे ये पिंक कलर में चेंज होता है. तो अगर फिनोफ्थलीन जो है पिंक कलर में चेंज हो रहा है, इट मीन्स जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक नेचर का होता है. और अगर वो कलरलेस हो जाता है, उसका कलर उसमें से चला जाता है, कलरलेस हो रहा है, इट मीन्स जो सब्सटेंस है जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसका नेचर पता कर रहे हैं, वो एसिडिक नेचर का होगा. थर्ड हम बात करते हैं मैथिल ऑरेंज. मैथिल ऑरेंज जो है ये सिंथेटिक इंडिकेटर है. फिनोफ्थेलिन भी सिंथेटिक इंडिकेटर है. एंड लिटमस की अगर हम बात करें तो ये नेचुरल इंडिकेटर है. मैथिल ऑरेंज जो होगा ये जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो पिंक कलर में चेंज होता है. मैथिल ऑरेंज चेंजेस टू पिंक कलर इन कांटेक्ट विद एसिड्स. जैसे ही मैथिल ऑरेंज ब्लू जो है ये एसिड के कांटेक्ट में आता है, ये पिंक कलर में चेंज होता है. और व्हेन मैथिल ऑरेंज ब्लू चेंजेस टू येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन. जैसे ही मैथिल ऑरेंज ब्लू जो है वो बेस जो होते हैं उनके कांटेक्ट में आता है तो ये येलो कलर में चेंज होता है. यहाँ पे मैं ओनली लेटर से इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ. फिनोफ्थलीन है वो पिंक कलर में चेंज होता है जब वो एसिड के बेसिस के कांटेक्ट में आता है. और यहाँ पे मैथिल ऑरेंज ब्लू है वो येलो कलर में चेंज होगा जब वो बेस के कांटेक्ट में आएगा. और जो फिनोफ्थलीन है ये कलरलेस हो जाता है जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है. और यहाँ पर ये जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो पिंक कलर में चेंज होता है. फिनोफ्थलीन है वो पिंक कलर में जब चेंज होता है जब वो बेस के कांटेक्ट में आता है. एंड मैथिल ऑरेंज ब्लू है वो पिंक कलर में तब चेंज होता है जब वो एसिड के कांटेक्ट में आता है. तो यहाँ पे ये तीन इंडिकेटर दे रखे हैं, लिटमस, फिनोफ्थलीन एंड मैथिल ऑरेंज. तो ये तीनों ही इंडिकेटर जो होते हैं वो सब जो सब्सटेंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प कराते हैं. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. फर्स्ट यूनिवर्सल इंडिकेटर, सेकंड नेचुरल इंडिकेटर एंड थर्ड सिंथेटिक इंडिकेटर. आज हम ओनली जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की ही बात करते हैं. यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड आ रहा है पीएच वैल्यू, पी स्मॉल एंड एच कैपिटल, पीएच वैल्यू. पीएच वैल्यू क्या होती है? कंसंट्रेटेड आयंस. ये हाइड्रोजन आयंस भी हो सकते हैं और ये हाइड्रोक्साइड आयन भी हो सकते हैं. जब जो एसिड होते हैं जैसे ही इनको वाटर इनके अंदर ऐड किया जाता है तो ये एच आयन रिलीज करते हैं. एसिड जो होते हैं वो एच आयन रिलीज करते हैं. एंड जो बेसिस होते हैं वो ओ एच आयन्स यानी नेगेटिव आयन्स रिलीज करते हैं. तो ये जो आयन्स की जो कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो ही होती है पीएच वैल्यू. जितने ज़्यादा एच आयन्स होंगे जो जो सब्सटेंस होता है, जो सॉल्यूशन होता है, उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा. और जितने ज़्यादा ओ एच नेगेटिव आयन्स होंगे उतने ही ज़्यादा वो बेसिक नेचर का होगा. तो यहाँ पे देखिए जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ए पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए यूनिवर्सल इंडिकेटर. जो किसी भी सब्सटेंस की जो पीएच वैल्यू है वो हम उस जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उससे पता कर सकते हैं. यहाँ पे ओनली हमें फिनोफ्थलीन, मैथिल ऑरेंज ब्लू, लिटमस पेपर, इनसे ओनली हमें जो सब्सटेंस है उसके नेचर का पता चल रहा है कि वो एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर का है. बट उसके जो आयन्स हैं, हाइड्रोजन आयन्स की बात करें, हाइड्रोक्साइड आयन्स की बात करें, वो कितने हैं, उसकी जो पीएच वैल्यू है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर से. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू. ए यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स दैट गिव्स अ डिफरेंट कलर चेंज फॉर डिफरेंट पीएच वैल्यू. जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होता है ये कई तरह के इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है जो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन के अंदर यानी अलग अलग पीएच वैल्यू के अंदर अलग अलग कलर देता है. अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको एक स्केल दिखेगी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे रखे हैं, थोड़ा सा शेड का फ़र्क ये. तो जो जैसे ही जैसे कोई सॉल्यूशन है
ठीक है, उसको हमें पता करना है कि ये एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी है। तो उसके अंदर जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो उसमें हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद उसका जो कलर आ रहा है उस कलर को उस स्केल से मैच करेंगे। जहाँ पे वो कलर उस स्केल में मैच हो रहा है उसकी पीएच वैल्यू उसके ऊपर लिखी हुई होगी, उससे हम क्या करेंगे उसकी रीडिंग लेंगे। तो इस तरह से जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होता है उससे हम पीएच वैल्यू को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब पीएच वैल्यू रेंज जो अगर पीएच स्केल जो होती है उसमें पीएच की जो वैल्यू होती है उसकी रेंज होती है 1 to 14। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है पीएच स्केल का। पीएच स्केल जो होगी उसमें पीएच वैल्यू को जो है वो डिटेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू कलर। तो यहाँ पे जो 7 अगर किसी भी जो सब्सटेंस है अगर उसकी पीएच वैल्यू आ रही है 7, इसका मतलब वो न्यूट्रल है। जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी वो न्यूट्रल होगा, और अगर 7 से किसी की पीएच वैल्यू कम आ रही है, 5.4 आ रही है या फिर 6.3 है या फिर अदर 1.2 बात करें, 0.3 की बात करें, तो 7 से लेस देन 7 तो जो वैल्यू आती है वो सारे के सारे जो सब्सटेंस होते हैं वो सारे के सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। और 7 to 14, 7.4, 7.1, तो ये जो है बेसिक नेचर में आता है। 7 अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 है तो वो सॉल्यूशन जो या सब्सटेंस जो होगा वो न्यूट्रल होगा। 7 और 0 के मिड में है तो वो एसिडिक नेचर का होगा। एंड 7 to 14 अगर इनकी रेंज में है तो जो सॉल्यूशन होगा या जो सब्सटेंस है उसका नेचर होगा बेसिक। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे जो 0 है इसके आसपास की जो वैल्यू है 0.1, 0.2 या 0.3, 1, 2, तो इसके आसपास की जो वैल्यू होती है अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 1 के आसपास आ रही है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और 7 के आसपास आ रही है 6.4, 6.3, 6.9, 5, तो ये जो पीएच वैल्यू है ये पीएच वैल्यू वाले जो सॉल्यूशन या जो सब्सटेंस होंगे वो वीक एसिड होंगे। बिल्कुल सेम यहाँ पे होगा, जो 14 के आसपास की पीएच वैल्यू वाले जो भी सॉल्यूशन या जो भी सब्सटेंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, एंड 7 के पास 7.4, 7.3, 8, 9 तो इतनी पीएच वैल्यू वाले जो सब्सटेंस होंगे वो वीक बेस होते हैं। अगर हम ब्लड की बात करें तो हमारा जो ब्लड होता है इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4, यानी जो अगर 7 होता तो ये न्यूट्रल होता, ना एसिडिक होता ना बेसिक नेचर होता, बट इसकी जो पीएच वैल्यू है वो है 7.4। तो यहाँ पे जो है 7 से वैल्यू थोड़ी ऊपर जा रही है पॉइंट्स में, तो जो हमारा ब्लड होता है वो कुछ बेसिक नेचर का होता है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको पीडीएफ के अंदर सेंड कर दूँगी, किसी भी टॉपिक या फिर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।